2017 थाउजेंड सेवेंटीन के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज जो अपने पास है वो पार्ट सेकंड है पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे इसलिए पार्ट सेकंड के अंदर करेंगे तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डीपीएसपी कंस्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन डीपीएसपी किस पे लिमिटेशन लगाती है किसी पर भी नहीं लगाती ना तो जुडिशियरी किसी ना जो जुडिशियरी फंक्शन पे ना लेजिस्लेटिव ना एग्जीक्यूटिव फंशंस पे ये तो इनफोर्सिबल भी नहीं है कोर्ट के अंदर तो ये भी गलत है ये भी गलत है दोनों ही गलत है ऑप्शन होगा वन करेक्ट टू करेक्ट बोथ करेक्ट और नीदर तो आंसर क्या हो जाएगा नीदर वन एंड टू डीपीएसपी किसी पे भी लिमिटेशन लगाती है क्या नहीं लगाती है? तो इसलिए वन और टू है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करना है इन इलेक्शन फॉर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मज गेट एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द वोट पोल्ड टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब इलेक्शन होता है लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो विनिंग कैंडिडेट होता है अगर उसको पचास प्रतिशत से ज़्यादा वोट मिल जाए तो वो इलेक्टेड डिक्लेयर होगा लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ मैंने आपको पहले जब स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन करा रही थी नाइन्टीज़ में तब वहाँ पे क्वेश्चन आता था कि प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कुछ ऐसे टर्म्स वगैरह थे तो वहाँ पे मैंने आपको ये सारे इलेक्शंस के जो प्रोसेस है वो समझाए थे तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भारत के अंदर ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं इसको थोड़ा सा एक बार समझ लो ए बी सी ए को मिले हैं थर्टी थ्री परसेंट वोट इसको मिले हैं थर्टी फाइव परसेंट वोट और इसको रिमेनिंग जितने भी वोट्स हैं ये कितना हो जाएगा सिक्सटी एट सिक्सटी एट का रिमेनिंग कितना होता है हमारे पास थर्टी टू ठीक है थर्टी टू परसेंट वोट इसको मिले अब देखो इसमें ना जो जीतेगा कौन बी जीतेगा क्योंकि बी के पास थर्टी फाइव परसेंट वोट्स हैं लेकिन अगर मैं मान लेती हूँ कि इसके पास फिफ्टी परसेंट से ज्यादा तो वोट नहीं है तो उसे नहीं जीतना चाहिए लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है जो भी पार्टी सबसे ज्यादा मेजोरिटी में वोट जीती है वो जीत जाती है लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी तो ये चीज गलत है नेक्स्ट वाला देखो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर गोज टू द अपोजिशन देखो ये ना पार्लियामेंट्री ये कंस्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कि लोकसभा का स्पीकर ये मेजॉरिटी से होगा और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से होगा ये एक एक, एक नॉर्मली नॉर्म चला रहा है ठीक है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी रिटर्न नहीं है कि ये लोकसभा का जो मेजॉरिटी पार्टी से होगा वही लेकिन बेसिकली ऐसा होता है कि जो स्पीकर होता है ना वो अपने मेंबर्स में से चुना जाता है तो जो स्पीकर को अगर लोकसभा के आप चुन रहे हो तो मेंबर में मेजोरिटी किसकी है जो जीती है पार्टी तो जो जीतने वाली पार्टी होती है वही अपने मेंबर को चुन के वहाँ पे भेजती है लेकिन अगर वो जीतेगी नहीं मतलब जो उनकी मर्जी पर है वो जीत रहे हैं इसलिए वो अपने मेंबर को चुन के वहाँ पे भेज रहे हैं लेकिन ऐसा कंस्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है तो इसलिए ये भी गलत है तो फर्स्ट भी गलत है सेकंड भी गलत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नीदे वन एंड टू बात समझ में आ रही है कंस्टिट्यूशन में ये चीज़ कहीं पर भी नहीं लगी कि मेजोरिटी पार्टी का ही जो मेंबर होगा वो स्पीकर होगा डिप्टी स्पीकर हमेशा अब हमेशा अपोजिशन का ही होगा ऐसा नहीं होता ये नॉर्म चले आ रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं लिखा कहीं पे भी नहीं गया है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है राइट टू बी वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ लीगल राइट ये याद कर लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट में कहा था कि राइट टू वोट इज़ अ लीगल राइट है ये ठीक है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने राइट टू वोट को आ, या फिर फंडामेंटल राइट्स में लीगल राइट right नहीं दिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिया गया ये चीज़ बोली जाती है लेकिन राइट टू वोट हमेशा याद रखना कि हमारे पास एक लीगल राइट right है हमें कोई वोट देने से रोकता है हम अपनी कंस्टिट्युंसी के अंदर अगर हम एलिजिबल हैं और हमें कोई रोक रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं हम बोल सकते हैं कि हमारा लीगल राइट है लेकिन इसने हमें वोट देने नहीं दिया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करना है इलेक्शन कमी इंडिया इज अव में इक्शन शेड्यूल द कंडक्ट ऑफ द बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन इक्शन कमीटिंग टू स्प्लिट मजर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज अब मेरी बात सुन रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से आप उनको पता है कि इसमें सिर्फ अपन को क्या देखना है करेक्ट देखना है सबसे पहले इलेक्शन जो कमीशन है वो क्या है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर के अंदर है मल्टी मेंॉडी है इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है टू अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं बेसिकली तीनों के पास पावर एक होता है लेकिन अगर कहीं पे वीटो हो जाए जहां पे कोई डिसीजन नहीं हो तो वोटिंग करने में चीफ इलेक्शन कमीशन को फिर देखा जाता है अदरवाइज सबकी सैलरी वगैरह सब कुछ इन तीनों की होती है। अब यहां बॉडी मेंबर, मेंबर नहीं है मल्टी मेंबर है बेसिकली थ्री मेंबर है तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है मैं कह सकती हूँ कि वो वाला गलत है नेक्स्ट देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शेड्यूल की घोषणा करती है कि कब इलेक्शन होने किस स्टेट के अंदर होने कब होने लोकसभा राज्यसभा सारे इलेक्शन का, का काम किसके पास होता है इलेक्शन कमीशन ना कि होम मिनिस्ट्री के पास तो ये भी गलत है फर्स्ट वाला गलत है सेकेंड वाला गलत है सेकेंड वाला गलत है आंसर थर्ड सही है थर्ड को चेक कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन रिजोल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू मर्जर्स स्प्लिट्स मर्जर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी ये बात सही है स्प्लिट और मर्जर एंटी डिफेक्शन लॉ है लेकिन वहाँ पे का डिसीजन फाइनल होता है लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिजोल्व करना है डिस्प्यूट तो वो किसके पास आता है इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन कमीशन के, के पास बहुत सारे काम होते हैं उसके जो उसके जो काम है उनको पढ़ के जाना मीन्स में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इलेक्शन कमीशन कोई चुनाव हुए हैं रिसेंटली तो वो मीन्स में पूछ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा उसके एडवांटेजेस क्या है उसके उसकी क्या ड्यूटीज हैं जो उसे फुलफिल करनी चाहिए और वो कर नहीं पा रहा और अगर हम वन इलेक्शन और वन नेशन कराने लग जाएंगे तो हमें क्या क्योंकि ये मुद्दा जो है वो करंट न्यूज़ में चल रहा है तो जो मीनस में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए

लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना केशवानंद भारती केस के बाद में नाइन्थ शेड्यूल में भी अगर कोई भी चीज़ डाल दी जाएगी लेकिन केशवानंद भारती केस को उन्होंने पैरामीटर माना कि उस डेट से पहले का तो हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे लेकिन उसके बाद आने वाली सारी चीज़ों का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू क्या चीज़ है द पावर ऑफ जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑब्वियसली बात है जुडिशियल रिव्यू वो रिव्यू करती है सारी जुडिशियरी प्रोनाउंस जो भी लॉज हुए हैं जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुए हैं उनको देखना

प्रेसिडेंट की असेंड करने से पहले उसको रिव्यू करना गलत है ये जब पार्लियामेंट में चल रहा होता है तो जो जुडिशरी वो तो ऑलमोस्ट इंटरफेयर भी नहीं करती उस चीज में द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस ये कह सकते हैं लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है ठीक है वो अपने आपको अपने जो जजमेंट दे रखे हैं सिर्फ उसी को जुडिशियल रिव्यू कहेंगे तो ये गलत है ये इसका सब पार्ट हो सकता है लेकिन इसका करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोपुलेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट कौन से कौन जो कॉन्सिक्वेंस प्रेसिडेंटेंटेंटेंटेंट रूल जब लगता है कौन से आर्टिकल के अंदर लगता है आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के अंदर लगता है ठीक है इमरजेंसी जब पढ़ते हैं उसके अंदर अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या कॉन्सिक्वेंस नॉट पूछे हमसे नॉट नहीं देखो इसमें क्या पूछा गया नॉट नेसेसरी तो सबसे पहला बोला है डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली वो डिजॉल्व कर दिया स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली को ये ज़रूरी नहीं है वो रहती है लेकिन उस टाइम के लिए सस्पेंड करी जाती है डिजॉल्व करना जरूरी नहीं है सस्पेंड हो जाती है तो यहाँ पर फर्स्ट वाला रॉन्ग है मतलब फर्स्ट फर्स्ट वाला वाला हो सकता है 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 नॉट 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 पूछा पहले अच्छा है ना तो को वाला मार कर लेते हैं ये है। फिर देखो रिमूवल ऑफ द द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द द द स्टेट तो वाला ऑप्शन देखो देखो रिमूवल ऑफ ऑफ काउंसिल मिनिस्टर उससे पहले आर्टिकल 356 सस्पेंड और यहाँ पर रिमूवल हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय किसको करी जाती है सीएम के द्वारा चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसको डिसमिस कर कर दिया दिया जाता जाता है 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 यानी रिमूव कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह सकती कि ये वाला जो सेकंड ऑप्शन वो भी रॉन्गे आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा वन एंड थ्री नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है विद द फॉलोइंग बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके द्वारा कहा गया है तो बस देख लेते हैं एक बार देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉर्टेशन जो है ना वो दो आर्टिकल्स में आर्टिकल ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फोर प्रोहबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर आर्टिकल ट्वेंटी थ्री प्रोहबिशन ऑफ एम्प्लॉमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फैक्ट्रीज आर्टिकल ट्वेंटी फोर यानी आर्टिकल जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर में ट्वेंटी थ्री में फोर्स लेबर और ट्वेंटी फोर में चाइल्ड इन फैक्ट्रीज फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दे रखे हैं आर्टिकल 29 से 30 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैल एन एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर्टिकल 30 तो 29 के अंदर लैंग्वेज को प्रोटेक्शन करना स्क्रिप्ट को और कल्चर को और थर्टी के अंदर माइनॉरिटी को स्टैब्लिश करना और एडमिनिस्ट्रेट करना किसका अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो ये सारी चीजें अब देख लेते हैं हमारे पास क्या है हमसे क्या पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट है करेक्ट पूछा गया अब देखो सबसे पहले क्या बोला गया प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23, सही है, 17 है तो ये चीज़ तो में नहीं माइनॉरिटीज ये भी चीज माइनॉरिटीज ये एजुकेशनल राइट और कल्चरल में आता है बेसिकली अगर कहा जाए तो क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं है लेकिन क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो मानता है एक तो रीजनल और एक लैंग्वेज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी uh, को मानता है और एक रीजनल मानता है लेकिन यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन किया अपने पास प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये किसके अंदर आ जाता है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन से थर्टी कल्चरल और एजुकेशनल राइट दे रखें जहां पे फिर प्रोहिशन ऑफ दर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस ये कितना आर्टिकल ट्वेंटी फोर तो सिर्फ एक्सप्लॉटेशन पे दो आर्टिकल एक तो ह्यूमन ट्राफिकिंग में और जो प्रोबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है चाइल्ड का फैक्ट्रीज और माइंस में तो वन और फोर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जिसमें आंसर है वन और फोर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो इसमें क्या है आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दट ब्रिंग्स आउट द प्रिपल अंडरलाइन द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन अंडरलाइन करता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिकली क्या मतलब है हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है एंड अरेजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिजम अगेंस्ट द गवर्मेंट हुज रिस्पांसिबिलिटी आर कॉम्प्लेक्स एंड हाट टू कैरी आउट सेटिसफेक्शन ये चीज़ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना क्योंकि उनका जो क्रिटिसिज्म uh, हो रहा है गवर्नमेंट का वो हार्ड है या फिर वो रिस्पांसिबिलिटी है ये सब बकवास है ये मतलब ये क्वेश्चन गलत ये स्टेटमेंट ही गलत है द मैकानिजम फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पांसिबिलिटी आर इंक्रीजिंग डे बाई डे तो एक कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उनका जो काम है वो उसकी स्पीड बढ़ जाए तो ऐसा भी नहीं है अ मैकानिजम ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव टू द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ये बात सही है क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी जाती है तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो होते हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है आर्टिकल 74 और 75 के अंदर ये चीज़ हम बहुत बार देख चुके हैं तो उसका आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा आ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग देंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन स्टेट ऑफ डिक्लाइन में उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना जो स्टेट डूब रहा हो या फिर जहाँ पे गवर्नमेंट डूब रही हो उसको स्ट्रेंथन करना तो ये भी गलत है ये तो बहुत ही अपस्टर्ड है तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि वो कलेक्टिव रिस्पॉसिबिलिटी होती है तो जो प्रिंसिपल होता है कैबिनेट गवर्नमेंट का वो आर्टिकल सेवेंटी फोर में हम पढ़ चुके हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो लोकसभा के जितने भी लोग चुने जाते हैं मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो लोकसभा के लिए जो पार्लियामेंट होती है उसमें उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर बहुत सारे प्रोविजन्स है कि अगर ये चीज़ पास नहीं होती अगर वो अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट uh, पास में हो हुजा, पास हो जाता है तो उन सबको रिवजाइन करना पड़ता है क्योंकि उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा नेक्स्ट वाला देखो देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म फेडरलिज्म का क्या मतलब है क्या मतलब है सबसे पहले तो ये समझो फेडरलिज्म जैसे अमेरिका का केस समझ लो जहाँ पे पचास स्टेट हैं और सेंटर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है इक्वली डिवीजन ऑफ पावर है स्टेट और सेंटर तो फेडरल मतलब वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो फेडरल बोलते हैं कि ये वाली जो चीज़ें होंगी अगर तो वो फेडरलिज्म की तरफ ज़्यादा होगा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन उनका रिजल्ट होगा यू का है उसमें चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है रिटर्न होता है और सुप्रीमेसी होती है दो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है एक सेंटर की अलग होती है और स्टेट की अलग होती है बाई कैमरलिजम होता है लोकसभा राज्यसभा अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी होती है तो ये भी है लेकिन इंडियन फेडरलिज्म में क्या है कि यहाँ पे जो स्टेट है ना स्टेट के पास पावर है सेंटर के पास भी पावर है लेकिन रेसोडरी पावर किसके पास है सेंटर के पास है और जो स्टेट है ना वो अलग नहीं हो सकता इसलिए इंडिया के लिए कहा जाता है कि जो इंडिया है ना वो डिस्ट्रक्टेबल यूनियन है डिस्ट्रक्टेबल स्टेट का मतलब जो इंडिया को नहीं तोड़ा जा सकता लेकिन जो स्टेट्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट करा आ जा सकता है किसी का पार्ट बढ़ाया जा सकता है किसी में ऐड करा जा सकता है जैसे स्टेट आपको पता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना टूटे पहले छत्तीसगढ़ टूटा था झारखंड टूटा था और उत्तराखंड टूटा था तो ये सारी चीज़ ये स्टेट्स डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं लेकिन जो हमारा सेंटर है इंडिया नहीं टूट सकता तो वह चीज वो चीज़ है हमारे पास तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा फ़ीचर नहीं है नॉट अ फीचर है तो अपन सबसे पहले देखते हैं देयर इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी सही है पावर्स हैड मीन क्लियरली डिवाइड बिटवीन सेंटर और स्टेट शेड्यूल सेवन के अंदर डिफाइन कर रखें सेंटर स्टेट सेंटर की लिस्ट स्टेट की लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट द फेडरिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा अनिकवल तो नहीं है बेसिकली लेकिन हाँ कह सकते हैं कि जितने पॉपुलेशन है उसके हिसाब से चुनी गई हैं फेडरेशन में जैसे सिक्किम की एक सीट होगी तो वहीं पर यूपी की बहुत सारी सीटें तो वो ऐसा कह सकते हैं ऐसा नहीं है देखो जैसे अमेरिका के अंदर है ना पचास स्टेट है ना तो सबकी दो दो सीट्स हैं लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है राज्यसभा में सब स्टेट की सीट अलग अलग है इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ़ द एग्रीमेंट अमोंग द फेडरिंग हमारे यहाँ पर जो यूनियन बनाया है उसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हम नहीं मतलब जैसे यूएस में स्टेट्स में एग्रीमेंट है उन दोनों में वो इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है स्टेट्स भी नहीं टूट सकते लेकिन हम यहाँ पे हमारे पास ये एग्रीमेंट नहीं है कि स्टेट्स में हम उनको नहीं तोड़ सकते उनके एरिया बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा तो ऑप्शन डी फेडरल और यूनिटरी जो प्रोविजंस है उनको बहुत अच्छे से समझना पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है उनको बहुत अच्छे से समझना मीन्स में ये क्वेश्चन बनता है और पूछे भी गए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मीन्स के जब मैं क्वेश्चन प्रीवियस कर रही थी अपने प्रैक्टिस के लिए तब मैंने ऐसे कुछ के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा और नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय अगर इलेक्शन कराना है नॉ जो अगर इलेक्शन कराना है लोकसभा का तो जो नॉमिनेशन पेपर है वो किसके द्वारा फिल कराएगा कौन चुनाव लड़ सकता है बेसिकली तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन बनाया था इसको देखने के लिए वो कहता है ही मस्ट बी आर रजिस्टर एज एन इलेक्ट्रॉल फॉर अ पार्लियामेंट्री कंस्टिटुएंसी जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वो रजिस्टर होना चाहिए अगर वो एस सी कम्युनिटी का है उसके लिए वो सीट लड़ रहा है जो सीट रिजर्व है उनके लिए यूटी के लिए इफ़ ही वांट्स टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर देम वो अगर एस सी के लिए जो सीट रिजर्व है अगर उसके लिए वो लड़ रहा है तो वो एस अगर एस के लिए तो एस के लिए होना वो एसी मेंबर हो ए सी कास्ट से होना चाहिए हो, और एस के लिए तो एस से होना चाहिए वो जनरल में भी लड़ सकते हैं उनके पास ये राइट होता है लेकिन उनके लिए जैसे वो जैसे ये वाली सीट है ये वाली सीट है ये एस सी के रिजर्व है तो यहाँ पर वो एस बंदा जो एस सी कास्ट से बिलोंग करता है वही लड़ सकता है ये एस के लिए तो वो एस ही लड़ सकता है लेकिन जो जनरल के लिए उसमें एस सी एस सब लड़ सकते हैं ठीक है ये चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और क्या है वो सिटीजन होना चाहिए मेक और सब्सक्राइब टू बी एन ओथ और अफर्मेशन पर्सन दसराइज टू बी इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन में ये चीज बता दी अब यहाँ पे देख लेते हैं एनी वन रेजाइडिंग इन द इंडिया ठीक है लेकिन ये जरूरी नहीं है रेसिडेंस दीटी फ्रॉम विच द इलेक्शन कंटेस्टेंट ये भी गलत है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज ने अपियर्स इन द इलेक्ट्रल रोल ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी जहां से उसके नाम है वहां से वो चुन सकता है ही मस्ट भी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्युएंसी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि उसका रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रल रोल जो होता है उसके अंदर होना चाहिए उसकी कंसिली के अंदर तो ये वाला सही है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऐसा जरूरी नहीं है तो सिटीजन तो होना ही चाहिए तो प्राइमरी होती है उसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो विथ रेफरेंस टू हमसे क्या पूछा गया विथ रेफरेंस टू द प्रोहिबिशन ऑफ द बिनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी एट पी बी पी टी एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब देखो ये वाला जो एक्ट है ना बहुत पुराना है मैंने इसको पढ़ा भी नहीं मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी फिर मैंने सोचा कि इसको सर्च करूँ बट मैंने सोचा ये बहुत पुराना है तो अब ये कभी पूछा नहीं जाएगा अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता मैं इसको कैसे करूंगी पेपर में मैं उसका तरीका बताती हूँ देखो क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है इसमें से कौन सा करेक्ट है अ प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बिनामी ट्रांजेक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन देखो सबसे पहले क्या स्टेटमेंट बोल रहा है बेनामी मतलब होता है जिसका जिस प्रॉपर्टी पे किसी का नाम नहीं हो वो बेनामी कहलाती है तो ये बोला गया कि प्रॉपर्टी का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का अगर उसके बारे में उसको पता नहीं है कि ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसे बेनामी नहीं समझा जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता बेनामी मतलब अगर वो उसके नाम पर नहीं रजिस्टर्ड है तो ओनर को चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो इससे कोई भी फ़र्क नहीं होता अगर उसका प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उससे हमें ओनर के पता होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो ऑब्वियसली बात है ओनर से क्या मतलब होगा ओनर तो झूठ बोलेगा कोर्ट में जाके कि मुझे नहीं पता था इस बारे में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इसे बिनामी प्रॉपर्टी ना माना जाए तो ऐसा थोड़ा ना होता है तो ये चीज़ गलत है फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है फर्स्ट गलत तो मेरा ये ऑप्शन गया ये वाला ऑप्शन गया अब मेरे पास बचा या तो टू और थ्री तो टू तो सही है ये बात कंफर्म है अब थर्ड को चेक करते हैं द एक्ट प्रोवाइड फ़ॉर द थ्री अथॉरिटीज़ फ़ॉर द इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेानिज़्म अब देखो हम किसी एक्ट को लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पर अपीलेट का मैकेानिज़्म ही खत्म कर देंगे ऐसे कैसे हो सकता है आप अपील ही नहीं कर सकते हो उसके खिलाफ ऐसा बहुत रेयर टू रेयर केसेस के अंदर होता है जब मना कर दिया जाए कि हम अपील के आपके पास अपील का अधिकार ही नहीं है अपील का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है अपील का अधिकार जैसे कोई भी केस वगैरह भी होता है ना तो आप बोलते हैं आप इसके बाद इस वाले हायर अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं फिर इसके बाद इसके पास जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया कि आप अपील ही नहीं कर सकते ही नहीं है थ्री अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको प्रोवाइड करी जाएगी तो चीज गलत है तुक्का लगा देना अगर एक्सेप्शन नहीं होगा तो हमेशा गलत ही होगा तो थर्ड वाला भी गलत है तो मैं ये वाला कह सकती हूं कि फर्स्ट गलत था फर्स्ट गलत था तो थर्ड भी गलत हो गया अब मेरे पास आंसर आ गया निकल के बी क्योंकि मुझे तो वैसे भी नहीं मुझे अभी भी नहीं पता कि बिनामी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है लेकिन मेरा आंसर आ गया टू और मुझे यही करना था अब देखो यहां पे सेकंड को भी पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज इज हेल्ड बेनामी आर लाइबल फॉर कॉन्फिगेशन द गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है जिसका नाम नहीं होगा किसी जिस भी प्रॉपर्टी के पास ओनर नहीं होगा तो गवर्नमेंट तो उसको हत्याएगी ही हत्याएगी उसके गवर्नमेंट को थोड़ा ना फर्क जब जबकि किसी के नाम पर ही नहीं है तो प्रॉपर्टी किसकी हुई गवर्नमेंट की हो गई तो गवर्नमेंट उसको हत्या लेगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा टू और हमारा आंसर भी क्या निकला टू ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे ना पेपर के अंदर तो हो जाएगा तो देखो इस अभी क्वेश्चन थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लेकिन क्वेश्चन का अगर आप पहले से देख रहे होंगे तो क्वेश्चन का इजी मतलब आपको कुछ रटना नहीं है यहाँ पे आपको अगर पता है फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है डी क्या है तो आप इसका आंसर्स कर सकते हो इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पेपर के पैटर्न में शिफ्ट होता गया है उसके बाद जब अपन डिस्कस करेंगे तब इसको और डीपली देखेंगे लेकिन तब तक के लिए थैंक यू एंड डे